हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर दिसंबर 2023 के। ये जो करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं ये 1 से 6 दिसंबर तक के हैं। और आपको मैं बता दूं कि इन्हें हम डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल करते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज, दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज और एक हिंदी न्यूज़पेपर जैसे कि अमर उजाला हो गया। इसके साथ ही जो गिरिराज न्यूज़पेपर आता है, एक वीकली मैगजीन आती है, उसके करंट अफेयर्स और प्लस हिमाचल का जो करंट जीके चला है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो हमारी दूसरी एक सेपरेट वीडियो में आता है। लेकिन अगर उसमें इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं होता है तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैंने इसी में इंक्लूड कर लिए होते हैं अकॉर्डिंगली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के डिस्कशन को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी अवार्ड्स हिमाचल प्रदेश हैज सिक्योर्ड एट द 12th एडिशन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2023। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और पुरस्कार 2023 के 12वें संस्करण में हिमाचल प्रदेश ने कितने पुरस्कार हासिल किए हैं? तो ये पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने हासिल किए हैं, 2 पुरस्कार किए हैं। और क्यों मिले हैं ये? सबसे पहले तो ये जो पुरस्कार है ये हिमाचल प्रदेश को मिले हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है गवर्नेंस की बेटरमेंट में, यानी कि शासन की बेहतरी के लिए और सार्वजनिक सेवाओं यानी पब्लिक सर्विसेज की बेहतरी के लिए हिमाचल प्रदेश ट्रूली कमिटेड है डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, प्रतिबद्ध है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए। उस चीज़ के एक्नॉलेजमेंट के तौर पर यानी स्वीकृति के तौर पर हिमाचल प्रदेश को ये अवार्ड दिए गए हैं। ये अवार्ड्स इन्हें इनिशिएटिव लिए हैं हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जैसे कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन और हिम परिवार प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन तो मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा 1100 नंबर क्यों आप डायल करोगे, लेकिन हिम परिवार प्रोजेक्ट जो है इसको आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि ये किस चीज़ के लिए शुरू किया गया है। एक करंट अफेयर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, हिम परिवार प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है? तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि हिम परिवार प्रोजेक्ट क्या है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि 6,04,557 कंप्लेंट्स जो है वो हेल्पलाइन से अभी तक सॉल्व कर ली गई है, ठीक है, 90 डिपार्टमेंट्स के तौर पर, और 10,000 ऑफिसर्स जहां पर इस कार्य को कर रहे हैं, इतनी सारी कंप्लेंट्स कर दी गई है। तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो लिए हैं, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड यहाँ पर दिए गए। ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था गवर्नमेंट कनेक्ट और आई लाउज मीडिया के द्वारा। इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ जो यूटी लद्दाख की जो यूटी है इनके आईटी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट कनेक्ट और आई लाउज मीडिया ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और जो भी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में जो भी अच्छे से डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है और उसके तौर पर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिजिटल टेक्नोलॉजी का रहा है, उन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करने के लिए ये अवार्ड दिए गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट वुमेन इंजीनियर इन चीफ अपॉइंटेड रिसेंटली? नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से कौन सी हैं जो पहली महिला इंजीनियरिंग चीफ है? तो ये है आपकी अंजू शर्मा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अंजू शर्मा, ये अपॉइंट की गई हैं फर्स्ट वुमेन इंजीनियर इन चीफ, यानी कि प्रथम महिला इंजीनियर इन चीफ। और इसके साथ ही ये जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसको हेड करने वाली फर्स्ट वुमेन भी हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ कैंसर इंस्टीट्यूट रिसेंटली? किस जिले में सरकार ने हाल ही में कैंसर संस्थान को स्थापित करने का निर्णय लिया हुआ है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका आ जाता है हमीरपुर, ठीक है। गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिसकी कॉस्ट लगभग 200 करोड़ तक रुपए की आएगी अभी तक, लेकिन इसको अप्रूवल नहीं मिला है। एक बार अगर इसको अप्रूवल मिल गया तो इसकी जो फंडिंग है वो 90-10 के रेशो में होगी, यानी कि 90% आपकी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो 10% का रेशो है आपका वो HP की गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो IGMC है, शिमला में जो IGMC है, ये इकलौता ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो ऑंकोलॉजी में PG और MD कोर्सेज को दे रहा है। ऑंकोलॉजी होता है आपका कैंसर की स्टडी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑंकोलॉजी। तो ऑंकोलॉजी में जो PG MD करवाता है वो IGMC इकलौता है। हमीरपुर में ये एक और नया बनेगा कैंसर इंस्टीट्यूट, अभी अप्रूवल नहीं मिला है इसको, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अभी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है इसको अभी। विच प्लेस हिमाचल गॉट इन ड्रग स्मगलिंग अंडर
नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट NDPCPS एक्ट के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश है उसे मादक पदार्थों की तस्करी में कौन सा स्थान मिला है। तो हिमाचल प्रदेश को ये स्थान मिला है यहाँ पर, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को ये यहाँ पे दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान आपका मिला है पंजाब को, उड़ता पंजाब। ठीक है, पंजाब को आपके यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला है कि जो भी ये तस्करी वगैरह होती है, मादक पदार्थों की स्मगलिंग होती है, उसमें फर्स्ट मिला है। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश को सेकंड रैंक मिली है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी अब पंजाब के बाद देखो सेकंड रैंक हिमाचल प्रदेश को मिली, उड़ता पंजाब, उड़ता हिमाचल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज वर्मिलियन प्लांटेशन सक्सीडेड। सिंदूर की खेती कहाँ पर सफल तरीके से हो गई है हिमाचल प्रदेश में? सिंदूर वृक्षारोपण तो ये आपका हुआ है, ये यहाँ पर गांव के नाम दे रखे हैं, तो ये नेरी गांव में आपका हुआ है। क्या हुआ था कि जो एक हर्बल गार्डन बनाया था नेरी गांव में, किसने? आयुर्वेदा डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने एक हर्बल गार्डन बनाया था नेरी विलेज में। ट्रायल के बेसिस पर 2021 में ट्रायल के बेसिस पर शुरू किया गया था और इसे लगभग 28 एकड़ के तौर पर स्थापित किया गया था। अब जैसे सक्सेसफुली उसमें देखा है कि एक बैच जो है वो सक्सेसफुली ग्रो करवाया गया है, और अगर ये अच्छे से ग्रो होता है तो लोगों के लिए एक एडिशनल लाइवलीहुड के तौर पर ये उभर कर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है वर्मिलियन यानी कि सिंदूर एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर घर में यूज़ होती है, तो एक एडिशनल लाइवलीहुड के तौर पर लोग इसको फिर अपना सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, व्हेन डिड सुप्रीम कोर्ट इम्पोज अ बैन ऑन ऑल नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्यों में सभी गैर वानिकी गतिविधियों पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो ये आपका लगाया गया था February 14, 2000। ठीक है, 22-23 साले हो गए, 2000 में ये लगाया था। ये न्यूज़ में क्यों आया था, इसको हम क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो आपकी पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर देखी गई या अभी इल्लीगल कल्टीवेशन, हमने शायद पहले भी इसको डिस्कस किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि हालांकि इल्लीगल कल्टीवेशन जो है वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके सराउंडिंग के कुछ एरिए में जो इल्लीगल जो कल्टीवेशन है उसको बैन किया गया है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर इल्लीगल तरीके से कल्टीवेशन करते हैं। अभी पोंग डैम सेंचुरी में भी इसको देखा गया। ठीक है, बैन किया था इसको सुप्रीम कोर्ट ने February 14, 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर वॉज फेलिसिटेटेड बाय CM सुखू फॉर हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स एड्स अवेयरनेस? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें एड्स जागरूकता की दिशा में उनके प्रयासों के लिए CM सुखू द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये है आपके यहाँ पर डॉक्टर भगवती प्रसाद शर्मा ऐसे हैं जिनको एड्स जागरूकता की दिशा में उनके प्रयासों के लिए CM सुखू ने सम्मानित किया। ठीक है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और स्पेशलिस्ट भी रहे हैं एथनोबॉटनी और टिश्यू कल्चर में। ये रेयर और इंस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो होती हैं उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं, पौधों की दुर्लभ और सहज प्रजातियों के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज वर्स्ट परफॉर्मर अकॉर्डिंग टू वॉयलेंट क्राइम इंडेक्स 2022? वॉयलेंट क्राइम इंडेक्स 2022 यानी कि हिंसक अपराध सूचकांक के अनुसार कौन सा जिला है जो सबसे खराब प्रदर्शन वाला रहा है? इसका नाम सुनकर के मुझे बहुत ही बुरा लगा स्पेशली, और ये है मंडी। ठीक है, अब इसमें टॉप पर तीन क्राइम्स कौन कौन से हैं? मर्डर, रेप और डाउरी डेथ्स। ठीक है, डाउरी की तो इसमें मतलब तीनों में से डाउरी के कम केसेस पाए गए इसमें। इसको रिलीज कौन करता है, ये जो वॉयलेंट इंडेक्स है, वॉयलेंट क्राइम इंडेक्स है, इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज इसको करता है इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट, ये इसको रिलीज करते हैं। लोएस्ट कौन सा देखा गया? लोएस्ट देखा गया यहाँ पे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में सबसे कम क्राइम होते हैं, और इसमें एक और चीज़ ये भी पाई गई कि अगर हम वुमन के अगेंस्ट क्राइम की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा होते हैं बद्दी में। आपको पता है जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में दो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, पुलिस डिस्ट्रिक्ट का तो आप लोगों को पता ही होगा,
थोड़े कुछ समय पहले जो एक नया पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा था नूरपुर, तो काफ़ी अफवाह उड़ी थी कि हिमाचल प्रदेश का एक नया और डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है 13वां। तब मैंने आपको ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में डिफरेंस बताया था। तो जो सोलन है उसके दो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो सोलन हो गया और एक इसमें आ गया आपका बद्दी। ठीक है, अब ये जो बद्दी वाला है इसमें क्या होता है, इसमें क्या पाया गया कि यहाँ पर हाईएस्ट क्राइम हो रहे हैं वुमन के अगेंस्ट, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एट्रीब्यूट किए गए हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बद्दी जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है। अब ये क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं काम करने के लिए, तो ये जो बाहर से माइग्रेंट पॉपुलेशन यहाँ पर आई है इसे ज़्यादा जिम्मेवार माना गया वुमन के अगेंस्ट क्राइम करने में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड टू प्रिजर्व लैंग्वेज भोटी, जो भोटी भाषा है उसको संरक्षित करने के लिए कौन सी परियोजना को शुरू किया गया है, कौन से प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो ये है आपका लर्निंग थ्रू लैंग्वेज भोटी, भाषा भोटी के माध्यम से सीखना। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता ही है कि भोटी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, हमारी हिमालयन बेल्ट में बोली जाती है, ट्रांस हिमालयन बेल्ट में बोली जाती है। ये लर्निंग थ्रू लैंग्वेज भोटी एक इनिशिएटिव है जो शुरू किया गया है पटा ट्रांस हिमालयन एम्पावरमेंट सोसाइटी के द्वारा और EFG फाउंडेशन के द्वारा, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है भोटी भाषा को, क्योंकि ये जो भोटी भाषा है ना ये एक्सटिंक्ट होने के तौर पर है, ख़त्म होने की तर्ज पर ये खड़ी हुई है, तो अब इसको बचाने के लिए कुछ एक स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो कुछ एक विलेजेस हैं जहाँ पर इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे दारचा, दंगमा, जिस्पा, गैमूर, खांगसर, क्वारिंग हो गया, ये जो विलेजेस हैं यहाँ पर 5 विलेजेस में लाहौल स्पीति के ये भोटी को रीइंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, कुछ एक सेंटर को स्थापित किया जाएगा, इस भाषा को सीखने के कुछ सेंटर को स्थापित किया जाएगा और किसी भी एज के लोग अगर भोटी को सीखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर सीख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो ये भाषा है ना ये क्या करती है, जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के लोग हैं उनको उनके पैतृक वंश से जोड़ती है, उनके एंसेस्ट्रल लिनिएज से जोड़ती है। तो कोई भी भाषा है वो वहाँ से वो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एक रीज़न के लिए, और जस्ट बिकॉज ये पूरे एक जो ट्रांस हिमालयन बेल्ट है हमारी उनके एंसेस्ट्रल लिनिएज को जोड़ती है, उनके पैतृक वंश से उनको जोड़ती है, तो ये भाषा इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अब इसको दोबारा से इसके बारे में इस भाषा को बचाने के लिए, एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इन विच यूनिवर्सिटी फॉर फार्मर फर्स्ट सेंटर इज लोकेटेड, एक्चुअली ये जो फार्मर फर्स्ट सेंटर है अभी इसको एक अवार्ड मिला है, कौन सी यूनिवर्सिटी में ये लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है CSKHPAU, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, इसको कौन सा अवार्ड मिला है, इसको मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ये अवार्ड इनको यहाँ पर मिला है। ये अवार्ड इनको यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, नई नई जो कृषि पद्धतियाँ हैं, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उनको लागू करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। ये जो अवार्ड है इनको एक जोन वन स्टेट्स में मिला है, जोन वन स्टेट्स में कौन कौन से राज्य थे, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इनमें से हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट प्राइज मिला है, हिमाचल प्रदेश के CSKHPAU को, और यहाँ पर ये फार्मर फर्स्ट सेंटर लोकेटेड है, इस सेंटर में ये काम करवाया जाता है, इस सेंटर में ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज जो हैं, इनको यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया भाई हिरदा राम, हु फॉर इन न्यूज बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, भाई हिरदा राम जो अभी न्यूज में आए थे किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से। ये न्यूज़ में क्यों आए थे, बिकॉज इनकी अभी 138th बर्थ एनिवर्सरी को मनाया गया भाई हिरदा राम की, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश की जीके पढ़ी होगी तो ज़रूर आप लोगों ने इनका जिक्र वहाँ पर सुना होगा, भाई हिरदा राम जी का, और इनकी 138th बर्थ एनिवर्सरी पर इनको हमने याद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, At which place government is planning to build state of art ice skating rink?
किस जगह पर जो हमारी सरकार है वो अत्याधुनिक आइस स्केटिंग रिंक बनाने की योजना कर रही है, तो ये है आपका नारकंडा। ठीक है, क्या बना रहे हैं यहाँ पे, स्टेट ऑफ आर्ट आइस स्केटिंग रिंक। अगला क्वेश्चन आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ट्रैकिंग अबव 3000 मीटर्स इज बैंड बाय गवर्नमेंट रिसेंटली। कौन कौन से जिलों में 3000 मीटर के ऊपर गवर्नमेंट ने ट्रैकिंग को बैन कर दिया है, तो ये आपका बैन किया है इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर। अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो तो ट्रैकिंग की जब हम बात करते हैं तो ये तीनों जो हैं एक तरह के हॉटस्पॉट्स हैं ट्रैकिंग के। हॉटस्पॉट्स वो एरियाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है वो एक तरह के हॉटस्पॉट्स हो गए। तो ये जो तीनों हैं, तीनों जगह हैं, ये ट्रैकिंग के हॉटस्पॉट्स हैं। अभी जो है विंटर में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बर्फ़ बर्फ़ गिरती है, स्नो वगैरह अवलांचेस आने का डर रहता है। आप लोगों को पता ही है कि फ्रेंडशिप पीक जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर अवलांचे आया था तो कुछ समय पहले, तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था, रिस्की बन जाती है विंटर्स में। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्टेप लिया है कि भाई 3000 मीटर से पर आप लोग अभी ट्रैकिंग नहीं करोगे। हाउ मच सब्सिडी इज बीइंग गिवन टू मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट टू बाय अ स्कूटर। अगर जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटर खरीदना है, इसके लिए इनको कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, तो इनको यहां पर सब्सिडी दी जा रही है 25,000 रुपए की। अब ये जो 25,000 रुपए हैं, ये इनको 25,000 रुपए की सब्सिडी इनको दी जा रही है। श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की सरकार क्या करती है, लैपटॉप देती है मेधावी छात्रों को। इसको शुरू किया गया था सीएम जयराम ठाकुर जी, जो पहले के हमारे सीएम थे, अभी के नहीं, पहले के जो पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे थे, 8 जून 2022 को इन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, इस योजना को भी आप लोग याद रख लेना, श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना, मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिया जाता है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ फिना सिंह मध्यम सिंचाई योजना। फिना सिंह मध्यम सिंचाई योजना जो है उसकी क्या लागत है, तो ये है आपकी 643 करोड़ रुपए। ये एक सिंचाई की योजना है, पहले इसकी जो लागत थी वो लगभग 300 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अभी जो इसकी कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया गया है, 643 करोड़ रुपए उसको कर दिया है। Who is author of the book Folk Geography of Transgiri Region in Himachal Pradesh? एक किताब है Folk Geography of Transgiri Region in Himachal Pradesh, उसके लेखक कौन है, तो इस किताब के लेखक हैं आपके डॉक्टर सरिता वर्मा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, Which author's work is उसने कहा था famous story? ये एक और है, उसने कहा था famous story है, कौन है इसके author? तो ये आ गए आपके चंद्रधार शर्मा गुलेरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अभी ये हमारे हिमाचल के करंट अफेयर खत्म हो गए, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो इन 5-6 दिनों में हुए हैं। सबसे पहले कंट्रीज फर्स्ट एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड बाय। देश का पहला एक्सरे पोलैरिमीटर उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो ये प्रक्षेपित किया गया है इसरो के द्वारा, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फायदा क्या है इसका, जो भी इंटेंस एक्सरे सोर्सेज हैं आपके, यानी कि तीव्र एक्सरे स्रोत हैं, उनकी ध्रुवीकरणीय यानी पोलराइजेशन की जाँच करने का लक्ष्य है इसका। ठीक, इसरो क्या बोल रहा है, इसरो हमारा ये कह रहा है कि जो भारत है वहाँ पर अंतरिक्ष आधारित यानी कि स्पेस बेस्ड एक्सरे एस्ट्रोनॉमी को स्थापित किया गया है, जो कि प्रीडोमिनेंटली फोकस करेगी इमेजिंग के ऊपर, टाइम डोमेन के ऊपर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अब इसकी जो थीम थी वो भी इम्पोर्टेंट है, थीम को देख लो, थीम है इसकी सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ।
इसके अलावा जो ये दिसंबर मंथ है हमारा, इसके फर्स्ट वीक में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, उनको आप एक बार देख लो। आपको पता ही होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ये किसी के भी एग्जाम में आ जाते हैं। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पूछ लिए जाते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट डे। 1 दिसंबर को आपका जो इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है वो सबको ही पता होगा, वर्ल्ड एड्स डे, जिसकी थीम रही है लीड द कम्युनिटीज। 2 दिसंबर को आपका मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। देखो यहाँ पर ना 3 दिन मनाए जाते हैं। सबसे पहले नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है, पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो हम ये दिन को सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। 2nd आ गया इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था, दासता की जो प्रथा है उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ये दास दिवस हम मनाते हैं इसकी अबॉलिशन के लिए, वो भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, इसको भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर को हमारे जो दिन मनाए जाते हैं, एक तो मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड, विश्व विकलांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये वाला जो दिन है हमारा वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस, ये हमारा मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को हमारा मनाया जाता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, इसको मनाया जाता है हमारे 5 दिसंबर को। 6 दिसंबर को हमारा मनाया जाता है बीआर अंबेडकर्स डेथ एनिवर्सरी, बीआर अंबेडकर की जो पुण्यतिथि है उसको मनाया जाता है 6 दिसंबर को। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस किए। Who is appointed as new MD and CEO of Bandhan Bank? Bandhan Bank के नए MD और CEO किसको अपॉइंट किया गया? तो ये आपका अपॉइंट किया गया चंद्रशेखर घोष को, ठीक है। अब देखो ये जो बंधन बैंक है इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है और 2001 में इसको बनाया गया था। लीड IT 2.0 वॉज लॉन्च्ड बाय PM इन विच प्लेस बाय PM मोदी, दो बार लिख दिया, ठीक है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने लीड IT 2.0 इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये इन्होंने लॉन्च किया यहाँ पर दुबई में, ठीक है। अब इन्होंने दुबई में लॉन्च किया, इंडिया और स्वीडन ने किया इसको दुबई में लॉन्च। अब ये क्या करेगा, ये इसका जो मेन एम है वो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है यानी विकासशील देश हैं उसमें जो कार्बन प्रौद्योगिकी है, कार्बन के जो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको बताया जाएगा, ठीक है। लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा और को डेवलप किया जाएगा, एक साथ उनको को डेवलप बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो उद्योग परिवर्तन है उसके लिए सहाय फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। डिवेलपिंग नेशंस में है ये, विकासशील देशों में। विच इज़ वर्ड ऑफ द ईयर नेम्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ष का नामित शब्द कौन सा है, तो यह है आपका रिज। हु बिकेम 84th चेस ग्रैंड मास्टर फीमेल ऑफ इंडिया, भारत की जो 84th यानी 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है महिला, तो यह है वैशाली रमेश बाबू। Which country has introduced one province, one policy approach to financial risk management? किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण को पेश किया है, तो ये है आपका चीन, ठीक है। चाइना ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, इस पॉलिसी को, ये इनकी एक इंस्टीट्यूट है, एक बॉडी है, चाइनाज नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना के राष्ट्रीय वित्तीय नियामक प्रशासन द्वारा, जिसके जो हेड हैं लीड कर रहे हैं जिसको, वो है ली युनजे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रगल्स को फेस कर रहा है, आर्थिक संघर्षों को फेस कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को, इस पॉलिसी को शुरू किया गया है, वन नेशन वन प्रोविंस वन पॉलिसी को।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल हैज़ बीन इनॉग्यूरेटेड। विश्व का जो पहला पोर्टेबल अस्पताल है उसको कहाँ पर इनॉग्यूरेट किया गया, तो इसको इनॉग्यूरेट किया गया है हमारे गुरुग्राम में। देखो ये इंडिया का फर्स्ट नहीं है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट है पोर्टेबल हॉस्पिटल। अब इसका क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है और इसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। आरोग्य मैत्री एड क्यूब जो है वो गुरुग्राम में इसको अभी खोला गया और इसको इंडिजीनियसली यानी कि भारतीय टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पूरी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है प्रोजेक्ट भीषम के अंतर्गत। प्रोजेक्ट भीषम के अंतर्गत इसको वो किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इसमें 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स हैं जिनको कि इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से स्पेशलाइज किया गया है कि अगर कोई किसी तरह का इमरजेंसी रिस्पांस होता है या ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स होते हैं, मानवीय प्रयास होते हैं, कोई किसी भी तरह की घटना हो जाती है तो इनको तब यूज़ में लाया जा सके। Which state of India got international honor at COP28 for afforestation efforts? किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए COP28 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? तो ये आपको मिला है बिहार को, ठीक है। अब देखिए बिहार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, जल जीवन हरियाली अभियान। इसको इन्होंने शुरू किया था 2019 में इसको शुरू किया गया था। और इसका फ़ायदा क्या था, इसका फ़ायदा ये था कि जो भी क्लाइमेट चेंज के यानी कि जलवायु परिवर्तन के जो भी खतरनाक परिणाम होते हैं उस खतरनाक परिणामों को हम लोगों को मिटाना है। और इसके तौर पर जो बिहार है वहाँ पर जो ग्रीन कवर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले ये 9.9% था 2019 में, 2021 में ये हो गया है 14.75%। बिहार जो है वो पहला स्टेट है जिन्होंने एक ग्रीन बजट को शुरू किया गया है, जिन्होंने ग्रीन बजट को इंट्रोड्यूस किया है, ये भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ एमिंग टू एलोकेट बजटरी प्रोविजन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, कंजर्व द इकोसिस्टम एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए ये ग्रीन बजट को शुरू किया गया है। मारापी वॉल्केनो वेयर इरप्शन अकर्स रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। एक वॉल्केनो है मारापी वॉल्केनो, उसमें अभी रिसेंटली इरप्शन हुआ है, वो किस जगह पर स्थित है, तो ये आपकी स्थित है इंडोनेशिया के ऊपर, ठीक है। सोचो यहां पर क्या है, इरप्शन हुआ अभी। Who became first woman medical officer in Indian Army to be deployed at Siachen? Siachen में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी कैप्टन गीतिका कॉल। कैप्टन गीतिका कॉल जो है वो पहली ऐसी वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स बन गई हैं जो कि सियाचिन के ऊपर पोस्टेड हुई हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है ये। इसके साथ ही एक और वुमन है जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है और ये है आपकी कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान जो है आपकी वर्ल्ड की ये भी एक फर्स्ट, कैप्टन शिवा चौहान जो है वो भी एक फर्स्ट महिला थी जब वो उनको इतने ठंडे बैटल ग्राउंड में अपॉइंट किया गया था जनवरी 2023 में, ठीक है। अब ये दूसरी जो है वो फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर ऐसी हैं कैप्टन गीतिका कॉल जिनको कि यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। Who has appointed as new executive director of insolvency regulator insolvency and bankruptcy board of India? भारतीय दिवाला नियामक, दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो ये इन्होंने किया है जितेश जॉन को। In which country IBA junior world boxing championship was held recently? अभी हाल ही में क्या किया गया है, IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को हेल्ड किया गया, कहाँ पर किया है इसको, आर्मेनिया में किया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड डिजिटल
व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग रिलीज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। 49th हिमाचल प्रदेश को रैंक मिली है प्रबंधन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। तो हिमाचल प्रदेश को इसमें 49th प्लेस मिला है, ठीक। और इसमें जो फर्स्ट रैंक मिली है वो मिली है आपके अमेरिका को। अब देखिए कुल आपकी 64 इकोनॉमी थी, उसमें हिमाचल प्रदेश को 49th रैंक मिली है। कुछ खास अच्छी रैंक इनको नहीं मिली हुई है। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, मतलब इस रैंकिंग से हमें क्या पता चलता है कि इंडिया ने जो है वो सिग्निफिकेंट किया है साइबर सिक्योरिटी नॉलेज के तौर पर। लेकिन जैसे कि टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस है, भविष्य की तैयारी जैसे मोर्चों पर इसका अभाव है।